इग्नू के सभी विद्यार्थियों का इग्नू अध्ययन केंद्र 2281 निर्माण कैंपस यूट्यूब चैनल पर सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और जो कोरोना जैसी महामारी, भयानक महामारी है, उस संकट काल के समय में भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होंगे। दोस्तों, सबको पता है कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के कारण एक भय का, एक डर का वातावरण बना हुआ है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही हैं, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो सारी प्रणालियों में दिक्कत आ रही है। तो आप सबको पता है कि इग्नू द्वारा जो एग्जामिनेशन था वो तय हो चुका था। एक टेंटेटिव शेड्यूल जो है जून 2021 के एग्ज़ाम का वो तय हो चुका था। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने भी अपनी जो वेबसाइट है nirmancampus.co.in, वहाँ पर बहुत लंबे समय से जैसे इग्नू का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, हम लोगों ने वहाँ यह इंफॉर्मेशन डाली हुई थी कि जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है जून 2021 के, वो 15 जून 2021 में शुरू होंगे। ऐसा इग्नू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इस संबंधी इग्नू की वेबसाइट पर भी एक टेंटेटिव डेट शीट डाल दी गई थी कि विद्यार्थियों की सूचना हेतु। लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते हुए जो 15 जून 2021 से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने थे, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसा कि आज 6 मई 2021 को इग्नू की जो स्टूडेंट एवेल्यूएशन डिवीजन है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें लिखा क्या गया हुआ है कि जो कोरोना की सेकंड वेव है, उसके बढ़ते संक्रमण के कारण और लॉकडाउन के कारण जो टर्म एग्जामिनेशन 2021 15 जून से एक शुरू होने थे, जिस संबंधी एक टेंटेटिव डेट शीट जो थी इग्नू की वेबसाइट पर भी डाली गई थी, उसे पोस्टपोन किया गया है फर्दर नोटिफिकेशन तक, जब तक अगली सूचना आपको नहीं मिलती। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इग्नू की और जो रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट है, वहां पर एग्जामिनेशन शुरू होने से 21 दिन पहले आप लोगों को सूचना इस संबंधी दे दी जाएगी और एग्जामिनेशन फीस भरने का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप सबको एक सलाह दी गई है कि क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस पर एग्जामिनेशन होंगे, 21 दिन का पीरियड शॉर्ट रहता है, तो आप सबको सलाह दी गई है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और इसी प्रकार से पढ़ते रहें, ताकि जब एग्जामिनेशन हो, क्योंकि एग्जामिनेशन होने तो तय हैं, चाहे वो लेट हो रहे हैं, लेकिन तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली से जारी रखिए। और इस संबंधी जो भी है इग्नू की वेबसाइट पर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के में आप उसे चेक करते रहिए, थोड़े थोड़े समय के पश्चात, थोड़े दिनों के बाद, ताकि आपको पता चल जाए कि इग्नू द्वारा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। और जो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर जुड़े हुए हैं निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वेबसाइट पर हम यहाँ स्क्रॉल करते हैं, जो भी नोटिफिकेशन रहते हैं वैसे हम जानकारी यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही हमें इग्नू की तरफ से कुछ जानकारी मिलती है। तो जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in, जो यह वेबसाइट है, वहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट उसी के साथ जुड़ी हुई है, हम वहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप वहां भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में एक यह भी बात की गई है कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, इंटर्नशिप फील्ड वर्क जर्नल्स हैं, उनको जमा कराने की तिथि जो है 31 मई 2021 कर दी गई है। तो जैसा भी आपको आपके स्टडी सेंटर की तरफ से या क्षेत्रीय केंद्र की तरफ से दिशा निर्देश मिलते हैं, आप उस अनुसार अपनी असाइनमेंट्स जमा कराएंगे, चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड से जा रही हो या बाय पोस्ट। जैसे कि हमारे रीजनल सेंटर जो खन्ना है, उसके द्वारा एक मैसेज सर्कुलेट किया गया था कि जो DEC के विद्यार्थी हैं वो अपनी असाइनमेंट्स को जहाँ उन्हें बोला गया वहाँ भेजेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो उनका संबंधित सेंटर था वहीं पर जमा करवा दिए हैं, तो बाय पोस्ट करवा रहे हैं या ऑनलाइन, जिस प्रकार का भी आपको निर्देश मिलता है आप उसकी पालना कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपने प्रोजेक्ट जमा कराना है वो है ऑनलाइन ही होगा, उसके लिए ऑनलाइन लिंक यहां पर इग्नू की वेबसाइट पर दिया गया है, देखिए ये वो लिंक दिया गया है। जो विद्यार्थियों ने DEC प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिनका रीसबमिशन होना है दिसंबर 2020 एग्जाम में जिन्होंने दिए थे, उनके लिए अलग से यहां पर
लिंक दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपने इसे पीडीएफ फॉर्म में जिस प्रकार से यहाँ निर्देश दिया गया है उसकी जो एक कैपेसिटी रखी गई है कितने केबी की एमबी की होनी चाहिए जीबी की होनी चाहिए उस हिसाब से आपने जमा करवाना है। साथ ही साथ जो हमारे अधीन के अंदर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने ये वेबसाइट बनाई हुई है। मेरा उनसे निवेदन है कि आप यहाँ जहाँ मैं लिंक शो कर रहा हूँ तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं सीधे, यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं या फेसबुक का जो पेज है वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको रेगुलर मैसेज जो भी नोटिफिकेशन होते हैं हम वो डालते रहते हैं। तो साथ ही साथ जो हमारे यूट्यूब चैनल है निर्माण कैंपस वहां पर हमने काउंसलिंग सेशन शुरू किए हुए हैं। बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स के कोर्स के काउंसलिंग सेशन चल रहे हैं। जैसे भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बीएजी के विद्यार्थी हैं, बीपीएससी 134 का आज का काउंसलिंग सेशन है, जो लेटेस्ट काउंसलिंग सेशन है वो शो हो रहे हैं। एसीसी का काउंसलिंग सेशन डॉक्टर शैली मित्तल द्वारा लिया गया, ईपीएस 9 का मेरे द्वारा ये काउंसलिंग सेशन आज का लिया गया है। तो उसी प्रकार से डॉक्टर अंशल द्वारा जो बीएएनएस 184 है उसके काउंसलिंग सेशन थोड़ी देर पहले ये लिए गए हैं, वो आप इन वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए ना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो प्लेलिस्ट है वहां पर हमने अन्य वीडियोस भी यहाँ दी गई हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो इग्नू के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट जोन पर जाकर अभी हमने ये क्लिक किया तो जो नोटिफिकेशन समय समय पर जारी हुए हैं, जैसे कि अभी पिछले नोटिफिकेशन यहाँ पर है क्योंकि अभी कोई नए नोटिफिकेशन इतने इम्पोर्टेंट नहीं आए जिसको हम यहाँ पर डाल सकें। जैसे कि इंग्लिश प्लस हिंदी गाइडलाइंस फॉर डीसी प्रोजेक्ट वर्क इन कोविड सिनेरियो विद न्यू एंड एग्जर्स यहाँ पर पढ़े हैं कि कोविड के कारण जब स्कूल बंद है तो आपने कैसे प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, उसके कौन से एनेक्सर लगाने, ये हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, है ना। लिंक फॉर री अपलोडिंग डीईसी प्रोजेक्ट वो भी हमने यहाँ पर डाला हुआ है, अगर पुराने कुछ रहते हैं, है ना। तो रिवाइज गाइडलाइंस भी डाली हुई है। ऐसी स्टडी मटेरियल है यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम में डीईसी का पढ़ा है, हिंदी का पढ़ा है और अन्य जो कोर्स हैं उनका भी हमने यहाँ स्टडी मटेरियल जो है ई ज्ञान कोश के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से स्टडी मटेरियल अपना डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जैसे बीए का है, बीएससी का, बीकॉम का है, बीएजी इंग्लिश का है, आप यहाँ से डिफरेंट स्टडी मटेरियल डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्पेशली हमने डीईसी का यहाँ डाला हुआ, अगर जिन विद्यार्थियों के पास स्टूडेंट मटेरियल नहीं आया, जैसे कि इंग्लिश मीडियम का हमने ई ज्ञान कोश का लिंक सीधा वहाँ डाला हुआ है, तो आप बड़े आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये एग्जाम सेक्शन है, जब आपका होल टिकट आ जाएगा, एग्जामिनेशन होगा तो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। रिजल्ट सेक्शन पड़ा है तो इसके नीचे हमने वीडियो लेक्चर डीईसी 4 के प्रोजेक्ट्स के लिए डाले हैं। ये 4-5 जो फर्स्ट वीडियो है वो इस तरह के हैं जो जब कोरोना काल के दौरान भी स्कूल खुले थे, जिन्होंने स्कूलों में काम करना किया है, कर चुके हैं, जो उनके लिए वीडियोस हैं, उन्होंने कैसे ये प्रोजेक्ट तैयार करना था। फिर रिवाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वीडियोस हमने यहाँ पर डाला हुआ कि आपने कैसे तैयार करना है। जो न्यू गाइडलाइंस हैं इग्नू हेडक्वार्टर की वो भी हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। तो कॉमन क्वेश्चन रिगार्डिंग रीसबमिशन ऑफ डीईसी प्रोजेक्ट, जिनका किसी का रीसबमिशन होना है, जिनका रिजेक्ट हो गया प्रोजेक्ट, उसके रिगार्डिंग भी हमने यहाँ लिंक्स डाले हुए। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि हमारी वेबसाइट पर जो जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हालांकि वो बहुत ऑथेंटिक है इग्नू की कोडिंग में, लेकिन उससे इसके साथ साथ आप इग्नू की वेबसाइट को भी रेगुलर विजिट करते रहिए। यहाँ पर जो गाइडलाइंस न्यू अनाउंसमेंट दी गई हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको भी आप देखते रहिएगा। नोटिफिकेशन फॉर रीसबमिशन ऑफ डीसी प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है ना, तो प्लीज आप इनको भी, मेरा आपसे निवेदन है कि इग्नू की वेबसाइट के साथ भी आप देखते रहिए। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ बड़े ब्रीफ में काफी चीजें हमने दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज नोटिफिकेशन आपको बताया कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं और इग्नू की वेबसाइट पर, जब हमारे निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर हम अति शीघ्र जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है वो हम आपको देते रहेंगे। और एग्जामिनेशन की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास किसी प्रकार की कोई कॉल नहीं आनी, कोई मैसेज नहीं आनी, यह आपका दायित्व है कि आप इग्नू की वेबसाइट पर या निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को चेक करते रहें कि आपकी डेट शीट आ गई है, क्योंकि किस दिन पहले इग्नू का जो नोटिफिकेशन अभी मैंने आपको दिखाया है
उसमें जो एससीडी के रजिस्ट्रार द्वारा साइंड है, तो वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 21 दिन पहले आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म का ये नोटिस होगा, तो आप प्लीज इग्नू की वेबसाइट पर बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, मास्क पहनकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार की जो अफवाहें हैं आप उसमें मत पड़े, और बड़े अच्छे ढंग से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी। आज के बुलेटिन में इतना ही। जो काउंसलिंग सेशन है आप उनका भी पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।